मार्वल के सारे सुपर हीरोज में सबसे ताकतवर कौन? इस एक सवाल ने सालों से फैन ग्रुप्स में इन्फिनिटी वॉर छेड़ रखी है। इस आग में अपने हिस्से का तेल डालते हुए एक और सवाल हम जोड़ देते हैं, मार्वल के सूरमाओं में सबसे अमीर कौन है? इस सवाल के जवाब में शायद आयरन मैन का नाम आ जाए, लेकिन फिर टचाला उस ब्लैक पैंथर है जो एक पूरे साम्राज्य का राजा है, जिसके पास दुनिया की सबसे दुर्लभ धातु वाइब्रेनियम का भंडार है। अब इसी लड़ाई को असलियत के धरातल पर लेकर आइए। साल 2023 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिलाशक जवाब आप दे देंगे, एलन मस्क, जिन्हें उनके फैन असली आयरन मैन भी कहते हैं, तुलना करते हैं। लेकिन इतिहास की बात करें तो एक शख्स है जो इस आयरन मैन को पीछे छोड़ देता है, और सिर्फ आयरन मैन ही नहीं, बेजोस, अडानी, बिल गेट्स, इन सब की संपत्ति भी मस्क के साथ जोड़ दी जाए तो वो भी इस शख्स के आगे कहीं नहीं ठहर पाएंगे। इतफाक देखिए, ये शख्स भी अफ्रीका का रहने वाला था, एक साम्राज्य का राजा था, और उसके पास दुनिया की सबसे कीमती धातु की खदान भी थी। कौन था इतिहास का सबसे अमीर आदमी और उसके पास कितनी दौलत थी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये कहानी शुरू होती है साल 1324 से। उत्तर अफ्रीका के साम्राज्य माली से एक कारवां मक्का के लिए रवाना हुआ। मक्का जाने वालों की कोई कमी थी नहीं, कभी रही नहीं, लेकिन जैसा कारवां माली से निकला था उसकी बात कुछ और ही थी। 500 घोड़े सोने से लदे हुए आगे आगे चल रहे थे, 48,000 आम और ख़ास लोग, जिनमें से हर एक ने रेशम का चोगा पहना हुआ था, वो लोग थे। बीच में माली का राजा चल रहा था और उसके साथ चल रहे थे 12,000 गुलाम। इन सब के साथ इस कारवां में ऊँटों का एक जत्था भी शामिल था, जिनके ऊपर सोने के ढेर रखे हुए थे। सोना दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी और इसकी खानों पर माली साम्राज्य का आधिपत्य था। माली का राजा इतना अमीर था कि उसने मक्का जाने से पहले दूसरे राज्यों पर हमला किया ताकि गुलाम इकट्ठे किए जा सकें। इस राजा का नाम था मनसा मूसा। हालांकि मूसा को मनसा और राजा दोनों कहना दोहराव है, क्योंकि माली की भाषा में मनसा का मतलब राजा ही होता है। 2023 के हिसाब से माली एक छोटा सा देश है, लेकिन 15वीं सदी तक ये बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसमें मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया के इलाके आते थे। इस इलाके में सोने की खाने थी, जिनके चलते राजा बहुत अमीर हुआ करता था। आंकड़ों में जाने से पहले दूसरों की आंखों देखी जान लेते हैं क्या समा था। मक्का जाते हुए 13 जुलाई 1324 को मनसा मूसा का कारवां मिस्र की राजधानी काहिरा की सीमा तक पहुंचा, कायरो भी कहते हैं। यहां मूसा ने गीजा के पिरामिड के पास 3 दिन तक कैंप डाला। इसके बाद नील नदी पार करते हुए वो काहिरा में दाखिल हुआ। काहिरा के लोगों ने जब ये कारवां देखा, उन्होंने तुरंत इसकी खबर बादशाह तक भिजवाई। कायरो के सुल्तान का नाम तब था अल मलिक अल नसीर। अल नसीर ने अपना एक नुमाइंदा मनसा मूसा के पास भिजवाया। नुमाइंदे ने मूसा से कहा कि बादशाह उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मूसा ने मिलने से इनकार कर दिया। जवाब दिया, मैं सिर्फ मक्का जाने आया हूँ, किसी से मुलाकात करने नहीं। एटीट्यूड। मनसा मूसा अब तक पूरे मध्य पूर्व में फेमस हो चुका था, क्योंकि जहाँ से वो गुजरता वहाँ सोना बांटते हुए चला जाता। उसके बारे में ऐसी बातें चलती थी कि वो हर हफ्ते एक मस्जिद बनवाता है और उसके पास अथाह पैसा है, इतना सोना जितना किसी के पास हो सकता था या नहीं भी हो सकता था। इतिहासकार शिहाब अल उमरी के अनुसार दौलत का ऐसा प्रदर्शन मिस्र में पहले कभी नहीं देखा गया। उसकी शान और शौकत देखकर कायरो के सुल्तान उससे मिलने के लिए बेकरार था, लेकिन मनसा मूसा बार बार इनकार करता रहा। आखिर में सुल्तान के नुमाइंदे को इस इनकार की वजह समझ में आई। दरअसल सुल्तान से मुलाकात का नियम था कि उसके सामने झुककर सुल्तान के हाथ को चूमना पड़ता था। नुमाइंदे ने मूसा की खूब लानत मलानत की और अंत में उसे सुल्तान से मिलने के लिए राजी कर लिया। मनसा मूसा और सुल्तान की मुलाकात हुई, लेकिन मूसा ने सुल्तान के आगे झुकने से साफ इनकार किया। फिर भी सुल्तान ने मूसा को अपने बगल में बैठाया और दोनों में काफ़ी देर तक बात हुई। सुल्तान ने मूसा और उसके पूरे कारवां के रहने का इंतज़ाम भी करवाया, उनकी आवभगत की। यह देखकर मूसा इतना खुश हुआ कि उसने अपने साथ लाए सोने का एक बड़ा हिस्सा कायरो वासियों में बांट दिया, बंटवा दिया कि इतना अमीर आदमी है। बदले में उसे कई सारे तोहफे भी मिले, जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ा। कहते हैं मूसा ने कायरो में इतना सोना बांटा कि पूरा शहर सोने से भर गया। सोना अमूल्य धातु थी, मुश्किल से मिलती थी, इसने कायरो के लोगों को मालामाल कर दिया। लेकिन इससे एक दिक्कत भी खड़ी हुई। इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है कि अचानक मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाए और रिसोर्सेज उतने ही रहें तो महंगाई बढ़ जाती है। मूसा ने कायरो में इतना सोना बांटा कि कायरो में महंगाई रातों रात आसमान तक पहुंच गई और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी में आने में
12 साल लगे। कायरो से मक्का होते हुए मूसा माली लौट गया। अब तक उसकी दौलत के किस्से पूरे दुनिया में फैल चुके थे। यूरोप के राज्यों ने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। यूरोप से लोग सिर्फ इसी वास्ते माली आ गए ताकि ये देख सकें कि उसके बारे में जो कहा गया है वो कितना सच है। तब दुनिया के इस हिस्से में ट्रैवल करने के लिए एक नक्शे का इस्तेमाल किया जाता था जिसे कैटलन एटलस कहा जाता था। माली का वैभव देख यूरोप वासियों ने न सिर्फ माली को इस एटलस में शामिल किया बल्कि मनसा मूसा की एक तस्वीर इस एटलस में जोड़ी गई जिसमें उसे एक सोने की गेंद पकड़े दिखाया गया। मक्का की यात्रा के बाद ही पहली बार मूसा की कहानी कागजों में उतरी। मनसा मूसा साल 1312 में माली की गद्दी पर बैठा। उसके राजा बनने की कहानी भी इसी तरह बड़ी दिलचस्प है। मूसा से पहले मोहम्मद इब्न कू माली का राजा था। उसकी तमन्ना थी कि वो अटलांटिक महासागर की यात्रा कर ले, लिहाजा एक रोज़ वो हजारों गुलामों को लेकर समंदर की यात्रा पर निकला और कभी लौटा नहीं। उसके बाद मूसा ने माली की गद्दी संभाली। उसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया, खूब सारी इमारतें बनवाई जिनमें कई मस्जिदें भी थीं। टिम्बकटू की जिंगारबेर मस्जिद मूसा की ही बनवाई कई मस्जिदों में से एक है जो 21वीं सदी में भी सही सलामत बची हुई है। मूसा ने लगभग 25 सालों तक माली पर राज किया। उसकी मौत कब हुई ठीक ठीक इसका पता नहीं है। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उसकी मौत 1337 के आसपास हुई होगी। इतनी कहानी सुनने के बाद एक सवाल अभी भी बाकी रह जाता है, मनसा मूसा के पास आखिर दौलत थी कितनी, वो आयरन मैन से आगे था कि नहीं। मूसा के बारे में अरबी स्रोतों में जो लिखा है उसके अनुसार हज की यात्रा पर मूसा अपने साथ कुल 18 टन सोना लेकर गया था जिसकी 21वीं सदी में कीमत बैठती है $975 मिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए। लोगों की अमीरी का ब्यौरा देने वाली वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्क के अनुसार मूसा के पास $400 बिलियन के बराबर दौलत थी यानी लगभग 32 लाख करोड़ रुपए। तुलना के लिए 2023 में एलन मस्क की संपत्ति करीब 16 लाख करोड़ है। हालांकि अधिकतर इतिहासकार मूसा की दौलत के इस आंकड़े से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कम दौलत थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इतिहास के प्रोफेसर रूडोल्फ वेयर कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि इंसान के पास कितनी दौलत हो सकती है और इसे 2 से गुणा कर लीजिए। मूसा के बारे में सारे ऐतिहासिक आकलन बस इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। कितना अमीर यह आंकड़ों में नहीं बताया जा सकता। इसी के साथ तारीख का आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं जिसे कमल ने लिखा और जतिन ने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दिल अलन टॉप।